डीएम ओएसपी ने जिला चिकित्सालय में लगवाया कोविड वैक्सीन। यह खबर यूपी के देवरिया जिले से, जहां राजस्व एवं पुलिस विभाग के फ्रंटलाइन कोरी कोरोना वॉरियर्स के जनपद में विभिन्न केंद्रों पर प्रारंभ हुए कोविड टीकाकरण कार्य में राजस्व एवं पुलिस विभाग के कर्मियों को कोविड वैक्सीन लगाया गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जिलाधिकारी अमित किशोर और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपत मिश्र जिला चिकित्सालय पहुंचकर वैक्सीनेशन कराने की औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए टीका लगवाया। टीकाकरण के पश्चात जिलाधिकारी श्री किशोर ने कहा कि भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार आज पुलिस राजस्व पंचायती राज के फ्रंटलाइन वर्करों को टीकाकरण की शुरुआत की गई, जिसमें क्रम में आज मेरे तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा वैक्सीन लगवाया गया। उन्होंने कहा कि टीकाकरण इस बीमारी से बचाव का आवश्यक है, इसे लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है, चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। देखिए देवरिया से रवि प्रकाश की रिपोर्ट। आप कौन कौन यहाँ पे लोगों ने टीका लगवाया, क्या संदेश देना चाहते हैं? भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के अनुसार जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो राजस्व विभाग पुलिस पंचायती राज जितने फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके आज की शुरुआत हुई, इसी क्रम में मैंने और पुलिस अधीक्षक द्वारा पूरा टीका लगवाया। 28 दिन बाद 5 तारीख को और मैं सब आपके माध्यम से आम जनमानस को संदेश देना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन अभियान से किसी भी तरह की